आप ध्यान से देखना, कितने दिन हुए आप ठहाका लगा के ऐसे हंसे हो कि आंखों से आंसू आ गए, कितने दिन से आप हंसे ही नहीं, क्योंकि हमें कोई भी मिलता है नमस्ते आइए ना बैठिए ना, नहीं नहीं खाना खा के जाते तो खाना को आ नहीं जाए तो आना नहीं खाना अंदर खाने के लिए हैं। अभी क्या मैं तेरे को चार चार लोगों को लेके आया हुआ तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी क्या? हाँ लेकिन फिर भी बोलेंगे क्या, अरे सर आप आते हैं खाना वाना तो खाते नहीं है, वो जान सामने वाला भी जान नहीं, भाभी जी फिर किसी दिन हम आएंगे तो हम खाएंगे, उसको अच्छे से मालूम है कि भाभी जी खाना वाना नहीं खिलाने वाली बोलने वाला भी, बस ये जो चीज़ है ना ये सब गड़बड़ हो रही है, हम क्या बहान धोखेबाज टाइप हो गए धोखेबाज, इसलिए मेरे से कभी कोई नहीं कहता कि मेरे घर आना, बोलता ही नहीं, मैं उससे पूछ लेता हूँ कन्फर्म कर ले, अपनी वाइफ से पूछ ले और ये भी बता दे कितने दिन के लिए बुला रहा, क्योंकि हमें तो 10 से 5 की नौकरी भी नहीं करनी और दूसरा वाला काम तो हमारा चलते ही रहता हमारे एब्सेंस में भी, तो तू पहले पूछ ले अपनी वाइफ से कितने दिन के लिए बुला रहा। मजा जिंदगी में हर जगह बिखरा पड़ा हुआ है। मेरे को एक काम मिला मंदिर के सर्वे का, मैंने कहा ठीक है मैं करूंगा, मैं हर टाइप के काम करने का पसंद करता हूँ। एक जगह में गया बुरहानपुर, सुबह उठ के आया मैंने कहा, एक ऑटो वाले को रोका मैंने कहा भाई साहब ये मुझे मंदिर जाना था आप लेके चलोगे? हाँ हाँ ले चलूंगा। जब वहाँ चला उसका नेचर बहुत अच्छा था, मैंने कहा यार आप एक काम करो ना यार हमको दिन भर हमारे साथ ही रहो, हम एक ऑटो छोड़ दें, दिन भर का कितने रुपए दोगे आप? हमने सेटिंग करी, बात बात में सेट हो गया। बोला ठीक है। अब वही बंदा मुझे घुमा के दूसरे मंदिर ले गया, तीसरे मंदिर। मैंने कहा भैया सुन बुरहानपुर की चाय सबसे अच्छी कहीं मिलती हो तो लेके चल यार, मज़ा आएगा चाय, लेकिन उसी समय बन रही होगी, बिल्कुल कड़क चाय पीता हूँ मैं। वो लेके गया, उसने चाय पिलवाई मुझे, उसके बाद वो मुझसे कहता है कि सर खाना, मैंने कहा खाना कोई ढाबे पे खाएंगे यार, होटल वोटल मुझे पसंद नहीं, बढ़िया ढाबे पे खाएंगे, गरम गरम दाल तड़का रोटी और मैं सब्जी वब्जी पनीर वनीर तो मैं खाते ही नहीं हूँ। बोले ठीक है मैडम अपन ढाबे। थोड़ी देर में मुझसे गाड़ी चलाते चलाते कहता है भाई साहब आप यदि बुरा माने तो एक बात कहूँ। मैंने कहा बुरा तो मैं कभी मानता ही नहीं हूँ, तो सोच ले बस इस आदमी में एक ही गुण है कि ये कभी बुरा नहीं मानता कभी भी किसी बात का। क्या बोल रहा, बोल आपको बुरा नहीं लगे तो एक काम करो ना मेरे घर चलो वहीं पर अपन खाना बनाते हैं। मैंने कहा तेरी वाइफ घर में कौन कौन है? वाइफ मेरी है लेकिन वाइफ मेरी अभी इलाहाबाद गई है, बच्चों को पढ़ाई कर ली है, बेटे के साथ गई हुई है वो इलाहाबाद में। मैंने कहा घर पे कौन है? घर पे कोई नहीं बस मैं ही। अरे वाह, मैंने कहा तो बहुत बढ़िया यार चलते तेरे घर चलते। हम उसके घर चले गए, जैसे ही घर गए उसने कहा दरवाजा, पड़ोसी से चाबी ली दरवाजा खोला, देखो इतना सुंदर प्यारा सा छोटा घर लेकिन बड़ा सुंदर, ऐसा बड़ा सा लंबा सा कमरा उसमें एक पलंग लगा हुआ, उसके बाद दूसरा कमरा छोटा सा जिसमें लिविंग रूम जैसे हम बोलते, उसके बाद किचन लाइन से तीनों रेल के डब्बे की तरह। भैया उसने बोला मैं तो बहुत थक गया था। मैंने कहा भाई सुनो मैं थोड़ा आराम कर लूँ। हाँ आप आराम करो, मैं आप एक काम करो ना नहा लो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने कहा तो कपड़े तो लाए नहीं, टॉवल भी नहीं, हम दे रहे हैं ना टॉवल। मैंने कहा तो दे दो ना यार। उसके बाथरूम में जाके अपन जम के नहाए बढ़िया मजे से, बाल्टी रखी थी, बरसों हो गए थे वो मग्घे से नहीं नहाए थे यार। हाँ आजकल मग्घे से कौन नहाता है, रख गए हमारे तो चावर की नहाने की आदत हो गई। वो मग्घे से नहाए तब समझ में आया कि पैर के तलवे साले इसलिए गंदे रह जाते हैं क्योंकि पहले क्या होता था पटे पे बैठते थे तो पैर भी साफ हो जाते थे नीचे के, आजकल खड़े होके नहाते हैं तो खड़े होके नहाए पैर में साबुन लगाया तो जो स्लिप होंगे कि मत पूछो, तो पैर भी नहीं धुले रहे, पैर देख भी कौन रहा, देख तो इतना ही चौकटा रहे ना भाई। ऐसा होता महिलाओं के साथ तो बहुत होता है ऐसा। हमारे जूस वाले कई बार जूस बांटने जाते हैं तो मैं उनको कहता हूँ देखिए मैडम के यहाँ जूस बांटने था ना, इनका फोटो दिखा देता हूँ फेसबुक पे, इनके यहाँ बांटना है लेकिन वो ये नहीं है, वो ये नहीं है, ये जो है ये सिर्फ फेसबुक पे है, घर में तुम्हें इन जैसी ही कोई एक भयानक लेडी में क्योंकि तू पहुंचेगा 6 बजे। अब 6 बजे कौन सा ब्यूटी पार्लर खोलेगा, तो 6 बजे कहाँ में, तो तू ये सोच रहे ये जो लेडी दिख रही है ना, नाम नहीं बोल रहा अभी मैं, लेकिन ये जो लेडी दिख रही है ना इसी जैसी लेडी वहाँ मिलेगी, उनको बोलना कि शैलेंद्र ने आज पूछ रहा है कि आपके यहाँ घंटी बजानी है कि नहीं बजानी, जूस कहाँ रखना है, क्योंकि अब रोज आएगा महीने में, फिर दूसरे बार से ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये तू देख ले फोटो, पर ये वो नहीं है। तो अब आप सोचिए अब ऐसी कंडीशन में तो है, हम उनके यहाँ गए नहाया बड़े मजे से बैठ के, खूब साबुन वाबुन लगा के मज़ा आया, नहा के निकल के आए गुप्ता जी, उनका नाम था पप्पू गुप्ता, ऑटो वाले का नाम पप्पू गुप्ता, के हम बैठे मैडम जैसे और बैठ के आराम से। मैंने कहा भैया सुनो नींद आ रही है लेट जाए थोड़ी, हाँ लेट जाइए, इतना प्यार आप फेसबुक पे मेरे को फॉलो कर रही है का, कभी फेसबुक पे जाके मैं फोटोग्राफ देखिएगा, यदि आप में से कोई एक निकाले तो देखिएगा इतनी प्यारी फोटोग्राफ है। तो वो उसमें वहाँ में लेट गया, लेट के मुझे नींद आ गई, मैं सो ही गया।
जब मेरी नींद खुली तो गुप्ता जी बिल्कुल खड़े हुए, रोटी वोटी बना रहे। मैंने उनको जल्दी, मैंने कहा गुप्ता जी फोटो खिला रहे, खींच लो फोटो को जल्दी जल्दी खींचे। उन्होंने बढ़िया आलू गोभी की सब्जी बनाई, मूली काटी, प्याज काटी, और उनके पास ऐसे रेलवे जैसी एक लंबी बेंच येलो कलर की बिल्कुल, उसमें उन्होंने सारी प्लेटें रख दी और उसमें पराठे बढ़िया बना के रख दिए। चलिए बैठिए आइए खाए। खाते खाते मुझे याद आ रहा है, सुनो एक फोटो तो ले ले, आप देखिएगा उसमें फोटो जो है उसमें दो तीन मूली खत्म भी हो चुकी हैं, पराठा भी आधे से ज़्यादा खत्म है। मैंने उसकी फोटो ली बढ़िया और वो लेके मैंने फेसबुक पर डाल दी। उसके बाद गुप्ता जी से हम 3 दिन वहाँ घूमे, गुप्ता जी के साथ घूमे। जब वो स्टेशन पर छोड़ने आया तो मुझसे कहता है, भाई साहब अगली बार बच्चों को और वाइफ को भी लेके आना, और ये होटल होटल में मत रुकना, मेरे घर में रुकना। मैंने कहा हाँ घर में रुकूंगा। मैंने उसकी फ़ोटो फेसबुक पे डाल दी। कुछ दिन बाद उसका मेरे पास फ़ोन आया, कह रहा आपने तो मेरी फ़ोटो छाप दी क्या? मैंने कहा छाप दी मतलब? वो मेरे पड़ोसी ने मुझे बुलाया कि भाई तेरी तो फोटो फेसबुक में, मेरी फ़ोटो फेसबुक पर डाल दी। मैंने कहा हाँ डाल दी। और भाई साहब आप एक दिन आओ तो, मज़ा हर जगह बिखरा पड़ा हुआ है, तुम लेने के लिए तो जाओ, ये मत सोचो कि सामने वाला तुम्हें धोखा तो नहीं दे देगा। जिंदगी में 100 साल की जिंदगी में यदि तुम्हें 2 धोखेबाज मिलने हैं तो तुम कितना ही बच लो वो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो उन 2 के पीछे जो 98 लोग हैं जो बिना धोखा दिए तुम्हें दोस्त बनाना चाहते थे, उनसे क्यों डरो? तो मैं तो जिस भी आदमी से मिलता हूँ सोचता हूँ यही शायद वो 2 नंबर के धोखेबाज हैं, मिल नहीं रहे थे आज मिल गए। लेकिन पहले इनसे निपटते हैं। आज 53 की एज होती जा रही है, कब ना जाने मर जाऊं, वो 2 धोखेबाज तो मिल जाए जो मेरा सामान उठा ले जाएं। मैं न ट्रेन में सामान को बांधता हूं ना कुछ करता हूं, आराम से सामान रखा और आराम से सो गए। एक आदमी मुझसे बोलता है, सर ट्रेन में वो चेन तो लगा लो, यहाँ बहुत लुटेरे आते हैं ये सामान ले जाते हैं। मैंने कहा भाई जो लोग अपने पर्स को अपने सर के नीचे रख के जोर से पकड़ के सोते हैं ना, उन्हीं के पर्स छीने जाते। हमने तो यूं पटक दिया, चोर भी सोचेगा साले ने यूं पटका, कुछ हो गई नहीं उसमें। तो आपको बताऊं मजा है जिंदगी में, ढेर सारा मजा है, वो करो। किसी दिन आपको लगे थोड़ी उदासी, सीधा गाड़ी उठाओ, गाड़ी में बैठो और सागर प्रीमियम टावर फेज 2 सिग्नेचर रेजिडेंसी के सामने, JK हॉस्पिटल के पास हमारा घर है, शाम को चले आओ। हारमोनियम तैयारी मिलेगा, कराओ के सिस्टम लगा हुआ है, चांदा लगा हुआ है, बढ़िया गाने सुनेंगे, बढ़िया मस्त मज़ा आएगा, खूब अच्छा खच्चा खाना खाएंगे। मैं आपको बताऊं जिंदगी में मज़ा बहुत करीब है, हमने लिया नहीं। आज ही घर जाइएगा, एक कैरियो के सिस्टम खरीद लीजिएगा, 7-8 हज़ार रुपये का आएगा, टकारा का, टकारा नाम देख लीजिएगा गूगल पे, टकारा का सिस्टम आएगा, 2 माइक आएंगे साथ में मेल और फीमेल का, और कराओ के पूरे YouTube में अवेलेबल हैं। उनको अपने मोबाइल में खोलिएगा, उसको ब्लूटूथ से जोड़िएगा, 1 माइक अपने हस्बैंड को दीजिएगा, तुम भी गाओ आज, मैं सिखा दूंगी तुम्हें कैसे गाना है, और मैं भी गाता हूँ, वो बढ़िया मज़े से गाने गाइए। और यदि वो ना गा पाएं, उनको लेके मेरे घर आ जाइए, हम ट्रेनिंग हम दे देंगे फ्री में। लेकिन मज़े लीजिए, जिंदगी मज़े लेने का नाम है।